लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के बीच हुए मुकाबले के बाद गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच झड़प हुई, जिसने क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया। दोनों के बीच हुई लड़ाई ने खूब सुर्खियां बटोरी है, लेकिन आखिर में दोनों के बीच ऐसी बहसबाजी क्यों हुई, जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले हुआ ये कि कुणाल पंड्या का कैच लेने के बाद कोहली ने स्टैंड्स की तरफ देखकर अपना सीना ठोकते हुए फ्लाइंग किस कर दिया। इसके बाद मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा भी किया। दरअसल इसी सीजन में जब पिछले मैच में लखनऊ ने आरसीबी को हराया था, तो गौतम गंभीर ने फैंस की तरफ मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया था। शायद कोहली ने ऐसा बर्ताव कर गंभीर को करारा जवाब दिया था। मैच के दौरान कोहली काफ़ी आक्रामक दिखे, यही नहीं उन्होंने अमित मिश्रा के साथ भी किसी बात को लेकर बहस की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल लखनऊ की पारी के दौरान अफगानिस्तान के खिलाड़ी नवीन उल हक और विराट कोहली के बीच बहस हुई। दोनों ने एक दूसरे को लेकर काफ़ी कुछ कहा, जिसने दोनों खिलाड़ियों के बीच लड़ाई की शुरुआत कर दी। जब आरसीबी ने मैच जीत लिया और दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, उसी समय एक बार फिर नवीन उल हक और कोहली के बीच एक बार फिर बहस देखने को मिली। दोनों एक दूसरे पर शब्दों के बाण चलाते हुए नजर आए। जब नवीन उल हक और कोहली के बीच फिर से गहमागहमी हुई, तो लखनऊ के खिलाड़ी कायल मेयर्स किंग कोहली के पास गए और उनके कुछ बात करते हुए नजर आए। तभी लखनऊ टीम के मेंटर गौतम गंभीर कायल मेयर्स के पास गए और उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। इसके कुछ देर बाद गंभीर और कोहली एक दूसरे से भिड़ गए और काफ़ी देर तक बहस करते नजर आए। गंभीर और कोहली इस तरह से भिड़ते नजर आए मानो दोनों जानी दुश्मन हैं। जैसे ही गंभीर और कोहली के बीच बहस बढ़ी, वैसे ही दोनों टीम के खिलाड़ियों ने एक दूसरे को अलग किया।